बैठे नाव पे तीनों। भगवान श्री राम, माता जानकी और लखन जब बैठे नाव पे तीनों तो बन गए पूरे काम। कैसे कैसे बैठे जब बैठे नाव पे तीनों तो बन गए पूरे काम। राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। तो राम लखन और माता जानकी बैठे हुए हैं। माइक में जा रही है आवाज। और कैसे कैसे बैठे हैं, कैसे कैसे चले हैं, बिल्कुल सादा से शब्द हैं आचार्य जी। कावरिया भी कावर ले जा रहे हैं और गंगा जल भर के और अपने अपने मंदिरों में जहाँ जहाँ भोलेनाथ हैं वहाँ चढ़ा रहे हैं। लेकिन पाया तो देखा सेवट ने पांव धुलवाया, आदर सहित तीनों को नाव में बिठाया, गंगा के तट पे केवट पांव धुलवाया, आदर सहित तीनों को नाव में बिठाया। तो बैठे नाव पे तीनों, भगवान श्री राम, माता जानकी और लखन जब बैठे नाव पे तीनों तो बन गए पूरे काम। कैसे कैसे बैठे जब बैठे नाव पे तीनों को बन गए पूरे काम। और दाएं सीता बाएं लक्ष्मण बीच में जीना, बीच में लक्ष्मण हैं और दाएं भगवान श्री राम आचार्य जी। आज्ञा पिता की मानी, आज्ञा पिता की मानी गए वनवास को,
सुर नर मुनि सब जाए रहे तो जाते समय तीनों का चित्र क्या है आचार्य जी कि जब वन को जाते तीनों के वन को जाते तीनों लीला है ललित ललाम अरे वन को जाते तीनों लीला है ललित ललाम तो आगे लक्ष्मण बीच में सीता अरे वन को जाते तीनों लीला है ललित ललाम तो पीछे लक्ष्मण बीच में सीता आगे है अरे रावण कुमारा जब रावण कुमारा जब मेरे भगवान ने पुष्पक विमान आया खड़े होके सामने बैठे पुस्तक में जब अरे बैठे पुस्तक में जब लीला है ये अभिराम अरे बैठे पुस्तक में जब लीला है ये अभिराम तो पीछे सीता बीच में लक्ष्मण आगे अरे आगे सीता बीच में लक्ष्मण रघुबर बीच में सीता पीछे हैं लक्ष्मण